फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फेस्टिवल्स क्रिएट अ स्पेस. एक हफ्ते के लिए आप फिल्में देख रहे हो, 54 कंट्रीज से आ रहे हैं. एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ डिस्कशन है, पीपल कैन मीट फिल्म मेकर्स. दूसरे कंट्रीज से फिल्म मेकर्स आते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है. फिल्म जो रिलीज़ यहाँ नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स वॉन्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज फिल्म, वी गेट टू सी दैम ऑन स्क्रीन एंड इट क्रिएट्स अ पैलेट फॉर द ऑडियंस, फॉर द फिल्म गोइंग ऑडियंस. दे आर ओपन टू इट. न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक हियर कैन शो देयर फिल्म इन, दे गेट अ फुट होल्ड. फिल्म फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यही बात है और क्या. ये सही बात तो है कि मतलब फिल्म के माहौल में फिल्म से सीखने को, फिल्म देख के बहुत सीखने को मिलता है. और ऐसे मुल्कों की फिल्में जहाँ जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, वो सब देखने के लिए मिलते हैं. मेरे लिए भी सेम है, बट आई थिंक पहले ना दिल्ली वॉज द हब ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स. सो मैं फिल्म सीखा ही हूँ फिल्म फेस्टिवल से. ऐसे ही जैसे आप लोग आए वैसे ही मैं फिल्म देखते सब. डॉक्टर जी कहा कि सरकार से बड़ी उम्मीदें और कहीं चुटकी भी ली विशाल जी. मैं सरकार से क्या मनवाना चाहूँगा कि नहीं, हम जिस तरह के फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि हम बना लें. और आप अगर किसी को कुछ से आपत्ति हो, आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म में आइए, डिस्कस करिए, लेकिन हॉल वॉल मत जलाइए. मैं यही बोलूँगा. आप मतलब ऑडियंस को, जो फिल्म लवर्स हैं उनको मत रोकिए हॉल में जाने के लिए. आपको कोई दिक्कत है आप आके बात करिए हमसे. वी आर रेडी टू टॉक. दीज टू पॉइंट्स एंड टैक्सेशन. They need to rethink taxation on the film industry if they want the film industry to survive. Shujit, Vishal ji, Zoya, film festival jo hai wo bharat mein film sanskriti ki baat ki hai, film culture ki bahut tezi se bad raha hai. Aap teenon se janna chahenge ki wo kaun si film hai jise humne suna ki Satyajit Ray ne Victoria de Sica ki bicycle thief dekhi tab ek unhe film dekhne ka jo chada. Aap sabki zindagi mein wo khaas film kaun si rahi aap sabke? मेरे लिए आपने जिनका नाम लिया है उन्हीं का ही है, सत्यजीत रे का पौथिर पांचाली एंड अपराजिता एंड अपुरुषम. वो मेरे लिए बाइबल है अभी भी, और अभी भी मैं उन्हीं फिल्म के उनको कुछ कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में हूँ मैं. वर्ल्ड सिनेमा में बहुत सारे लोग हैं मेरे लिए, ऑलिवर स्टोन है, स्पिलबर्ग हैं, बर्गमैन हैं, बहुत सारे कुरुसावा हैं, बट मेनली सत्यजीत रे जिनके ऊपर मैं पर्सनली जो एक फिल्म है जो मेरी लाइफ बदल दी. मैंने 96 में त्रिवेंद्रम फिल्म फेस्टिवल किसलोवस्की का डेकलॉग फर्स्ट टाइम देखा. दैट चेंज माय लाइफ. आई हैव मेनी फिल्म्स. ऐसा कोई यू नो आई मीन आई फेल इन लव विद फिल्म वाचिंग रिजर्वर वॉज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. बट द फर्स्ट इंडियन फिल्म दैट रियली शुक मी वाज आई वाज वेरी यंग एंड आई सॉ सलाम बॉम्बे बाय मीरा नायर एंड दैट फिल्म लेफ्ट अ ह्यूज मार्क ऑन मी. विशाल जी आपकी तो फिल्में मतलब साहित्य पर काफ़ी बेस रही है, शेक्सपियर की कहानियों पर. अगर हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें सुजीत दा और विशाल और सोया, तो क्या आप लोगों का ऐसा मानना है कि इंडियन जो फिल्म होती है, फिल्म मेकर्स जो होते हैं खासकर, वो ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ते हैं या बाकी चीज़ें भी नहीं पढ़ती हैं पढ़ते हैं या ज़्यादा ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं? जो हमारी फिल्मों में दिखता है सुपरफिशियल लेवल पर फिल्में बनती हैं और सुपरफिशियल लेवल पर प्रॉब्लम उठाए जाते हैं. एक्सेप्शन तो हर कहीं होते हैं, तो इसलिए हमारी वर्ल्ड सिनेमा में तो स्टैंडिंग है नहीं जैसी होनी चाहिए. तो आप लोगों की राय क्या है? मेरी राय ये है कि पहले तो डिफरेंट मुल्कों में फिल्म्स डिफरेंट रीजंस के लिए बनती है. ऑडियंसेस गो टू द मूवीज़ फॉर डिफरेंट रीजंस. आप फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट आवर ऑडियंस? लेट्स टॉक अबाउट आवर ऑडियंस. You know, because I really think that that dictates a lot of what is put out there. Correct. Audience के लिए फिल्में बनती हैं ना, जैसी audience होगी वैसे फिल्म बनेगी. जैसे audience होगी वैसे फिल्म बनेगी. और अगर हम world audience के लिए बनाना चाहते हैं, which we do want to make, we are now finding ways to find that distribution, find that producing, and now you will see a change. You will see a change. मेरी राय एक बात तो बहुत सही है आपकी बात कि हमारी जो सिनेमा की स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड सिनेमा के सामने हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं. इसमें कोई डिनायल वाली बात है ही नहीं, हम लोग पीछे हैं. बहुत कोशिश करते हैं. रे साहब ने कोशिश किया था, घटक साहब ने कोशिश किया था, तपन सिन्हा ने कोशिश किया था साई परांच में, लेकिन हमारे भी कुछ फिल्म मेकर्स हैं
जो जो रिसेंटली कुछ फिल्में आई हैं, फॉर एग्जांपल मसान था लास्ट ईयर, लंच बॉक्स था, इस साल जो वो तमिल फिल्म आई है बहुत अच्छी, ऑल्सो बहुत अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड में बहुत किया. अब ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर्स के ऊपर कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम किस कहाँ रहना चाहते हैं. सबका अपना एक कुआं होता है, मेंढक का कुआं नहीं होता है, वैसे कुआं होता है कहाँ हम रहना चाहते हैं. हम खुश हैं इसमें शायद सा, इसलिए हम इधर ही हैं. आई थिंक प्रॉब्लम सुजीत से कहीं और डीप रूटेड है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है आउटसाइड ऑडियंस की. बाहर की ईरान की फिल्में क्यों पूरे वर्ल्ड सिनेमा में, क्यों, बिकॉज वो लोगों को बाहर जाके वो फिल्म का बिजनेस चाहिए. हम इतने सेल्फ सफिशिएंट वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम शायद खुश हैं इस कुआ में, हमारी ऑडियंस मिल रही है, हमारी फिल्में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको स्टोरी को समझ में आ रहा है. सी अल्टीमेटली सिनेमा क्या है, कहानी तो कहनी है और आपको मुझे एंगेज करना है, यही तो मेरी बात है और तो कुछ है नहीं. तो मेरी ऑडियंस मिल रही है हम लोग रिलीजिंग इरेनियन फिल्म. या सो लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कोशिश जारी है. विशाल सर, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है और सैटरडे को उसकी पायरेसी हो जाती है, इवन कभी कभी पहले हो जाती है, फिल्म और पहले आ जाती है, तो इस लीक को कैसे देखते हैं और फिर जहन में क्या चलता है एज अ फिल्म मेकर, अगर आप शेयर करना चाहें. आपने फिल्म बनाई और वो पहले ही आ गई है नेट पे या बाकी जगह पे? पहले आ जाए तो प्रॉब्लम है, सैटरडे के लिए तो हम लोग सालों से यूज्ड टू हैं, अब तो फर्क पड़ना बंद हो गया. पीपल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट ना, इट्स नॉट अ इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, नोबडी इज देयर टू मच मनी इन पायरेसी, सो टिल द लॉ डजंट चेंज व्हाट कैन वी डू. एंड इट इज स्टीलिंग, यू नो वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी. फ्रांस वगैरह जैसी जगहों में अगर आप दो बार टोरेंट करते हैं हम आपको छोड़ते हैं, तीसरे दिन तीसरी बार करेंगे तो पुलिस आपके घर में आके पकड़ लेती है. यहाँ पे तो गवर्नमेंट के पास और इतने सारे काम है कि ये तो बहुत बात की है. बात है हमारे जितने 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे कोर्ट केसेस हैं, जो कि अगर हम लोग जिस टाइम से अगर उसे करने के लिए बैठेंगे इट विल टेक 300 ईयर्स टू कम यू नो फिनिश दोस. तो हमारी प्रॉब्लम्स और डिफरेंट लेवल की, ये तो बहुत बात की बात है. सेंसर की प्रॉब्लम सर सॉल्व ही नहीं हो रही, छोड़ो ना अभी हो जाएगी. विशाल सर, आप मेरा सवाल आपसे, आपने अंदर कहीं कहा यू नो कि कई बार एक मेकर जब फिल्म बनाता है उसका अपना विजन होता है, अपनी सोच होती है, कि हर किसी डायरेक्टर का अपना मुख्तलिफ सोच होती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो ऑडियंस तक नहीं पहुँचती, शायद वो उनको समझ में नहीं आता. आप दोनों से तीनों से जाना चाहूँगा, बल्कि कभी ऐसा हुआ जब आपने फिल्म अपनी विजन से बनाई लेकिन ऑडियंस तक वो खड़ी नहीं, एनी फिल्म एनी वन फिल्म यू वांट टू टॉक अबाउट? सारी फिल्में तो अपने विजन से बनाई, यू नो कोई ऐसी नहीं कि किसी दूसरे के विजन से बनाई. अपने विजन से नहीं, लेकिन आपने जैसे अंदर सेक्शन में कहा कि हम सोचते हैं बहुत कुछ, उम्मीद करते हैं कि सीन पे लोग हंसेंगे लेकिन हंसते नहीं हैं, कई बार सोचते हैं कि नहीं हंसेंगे उस पर रोने लगते हैं. आपको मैं इसका एक जवाब दे सकता हूँ प्लीज़? ये जवाब ये है कि ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में और हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा में, जब रिलीज़ हुई ऑडियंस ने देखा नहीं लेकिन 5-7 बाद इतना प्यार दिया है उसको आप सोच नहीं सकते. सो ये टाइम टाइम की बात होती है. कभी कभी ऐसी फिल्म बन जाती है जो शायद उस वक्त शायद ऑडियंस को टेस्ट नहीं आता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बॉक्स ऑफिस के साथ आप कंपेयर, आप जो कहना चाहते हैं लोगों को जो पसंद है या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात, देखिए वो सोचेंगे तो फिल्म तो बना नहीं पाएंगे. मैं ये कह रहा हूँ कि उस बनाने के बाद अगर नहीं चलती है, यस, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं. प्रॉब्लम ये है कि फिल्म में पैसे लगते हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सिनेमा में इतने पैसे लगते हैं. अगर नहीं लगते तो बहुत खुशी होती है कि आप एक गला फाड़ के गा दे दें और आपकी अप्रिशिएट हो जाएगी आपके गाने की, लेकिन फिल्म में जेतु पैसे लगते हैं उतना रिकवरी एक डायरेक्टर की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आ जाती है. उसमें ज़रूर दुख होता है कि यार इतना रिकवर हो जाए ताकि मैं आगे तो फिल्म बना लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो थॉट्स दिए हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है वो आपने जो फिल्म में डाला है और वो अगर किसी को समझ में नहीं आता है, आप बैठ के बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है 2 साल बाद समझ में आ जाए, लेकिन आएगी ज़रूर. यार इसका जवाब नहीं देंगे, आगे बढ़िए प्लीज. आप तीनों अलग अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं, आप सबकी एक दूसरे की पसंदीदा फिल्म, मतलब आप विशाल अगर जो है कि कोई पसंदीदा फिल्म हो या आशीष जो है कि आप पसंदीदा फिल्म बता पाए, आप सब एक दूसरे की. मुझे तो दोनों की सारी फिल्में बहुत पसंद है. देखिए यहाँ मतलब यू नो हम लोग एक दूसरे, हम लोग आजकल हम लोग फिल्म बना रहे हैं सब लोग मिल के, और भी हैं सारे, अनुराग है, इम्तियाज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म में बना रही है, तो आई थिंक सबका फिल्म हम लोग देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं क्रिटिसिज्म भी होता है अपने माइंड में, लेकिन ऐसा है कि एक ये जो नए दौर में जो कुछ फिल्म मेकर्स जो आए हैं
इंक्लूडिंग जोया एंड विशाल जी एंड ऑल्सो एटलीस्ट एक कोशिश जारी है टू क्रिएट अ गुड सिनेमा, ये मेरे को दिखता है आजकल, तो वो मुझे लगता है बहुत हेल्दी है। इसका जवाब मैं ही दूंगा। मेरे को तो हर एड में लगता है कि मिल जाए नेशनल अवार्ड तो अच्छी बात है। फरवरी में रिलीज होगी 25 को। You know, Shahji said in this session that none of your films have been successful commercially. Rangoon has the biggest of names, Saif, Shahid and Kangna. Expecting things to turn around with the film? With regards to box office? जब होगा तब देखेंगे ना, you know. मैं तो जो नई रिलीज हुई थी उनके बारे में बात की थी। Are you three able to watch your own films and at what point do you emotionally detach yourself from your work? On the day of release, I have never watched my film. Time लगता है। I have never seen a film again. थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक पॉइंट के बाद तो डिटैच हो ही जाते हो आप। किसी फिल्म में जल्दी होता है, किसी फिल्म में देर से होता है, किसी फिल्म में मतलब ये डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म। जिस दिन रिलीज होती है उस दिन इट्स लाइक यू नो डिलीवरिंग योर चाइल्ड, देन वो कॉर्ड कटती है उस दिन। एक सवाल आप लोगों से कि जो स्टार सिस्टम है बॉलीवुड में, जिस सिनेमा में स्टार हर जगह हावी होता है और स्टार को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, चाहे वो पैसे लेने की बात हो या जो आफ्टर इफेक्ट होता है फिल्म रिलीज होने के बाद या जो चर्चा होती है डायरेक्टर की बात ज्यादा होती है कि उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था। मुझे लगता है ये गलत सवाल है। हाँ, उड़ता पंजाब में देखो आप क्या किस किस एक्टर की बाद में बात हुई, पहले आपको अगर मालूम है जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है सबसे मेरा फिल्म का जितना हीरो है मैं राइटर ही होता है, आपको मालूम है, और मैं हर समय बोला है मेरे फिल्म का हीरो जो है राइटर ही होता है, टेक्नीशियन वो हर जगह है यार, हॉलीवुड में भी है स्टार सिस्टम, इट्स वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टार सिस्टम है कि नहीं है क्या नहीं। मैं क्या फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरी क्या ऑडियंस है और मेरी फिल्म की जो मेरी जिम्मेवारी है रिकवरी की वो होती है कि नहीं, आई थिंक मेरे को वो चिंता करना चाहिए। स्टार सिस्टम से क्या करेंगे हम लोग सोच के, मैं तो कभी भी स्टार से बात फिल्म बनाने पाऊँगा नहीं, बनाना जो चाहूँ मतलब कब बना पाऊँगा ये नहीं सोचता हूँ मैं, कोई मेरा स्टार फिल्म पसंद ही नहीं करेगा, स्टोरी कॉन्स्टिपेशन में कौन पसंद करेगा फिल्म बताओ। अब बोलते हैं आगे क्या स्टोरी है, मतलब आगे यही स्टोरी है, पूरा ही फिल्म यही है, अब मैं कैसे कन्विंस करूं? आई मीन देयर इज अ स्टार सिस्टम, इट्स इन इंडिया, चाइना, यूएसए, लेकिन अगर आपको चेंज करना है आप प्रेस है, आप चेंज कीजिए, आप दूसरे लोगों को और अटेंशन दीजिए। अपकमिंग्स क्या है आप तीनों की, थोड़ा थोड़ा अगर बता सकें तो? मेरी नेक्स्ट फिल्म नेक्स्ट ईयर, लेट नेक्स्ट ईयर शूट होगी, तो इट्स टू अर्ली टू टॉक। नाम नहीं है अभी। मेरी तो 25 फरवरी को रिलीज हो रही है, वो तो हो जाएगी फिल्म। अभी तो जस्ट पिंक से बाहर ही आया हूँ, जस्ट प्लान कर रहा हूँ अभी और कोलैबोरेट कर रहा हूँ राइटर से, कुछ मजेदार आएगा तो जरूर बताऊंगा, अभी कुछ जहन में कुछ नहीं है। Is it your the director's call in each film? And secondly, at times we tend to go, what I've noticed is we become very manipulative. Like in a particular scene, like you are being forced to cry or laugh with the background score. So do you think that is a concern? And who's the chief captain of the ship in this? बैकग्राउंड स्कोर का मतलब होता है कि वो आपको जो इमोशन उस वक्त सीन का चल रहा है उसके लिए सबकॉन्शियसली गाइड करे, तो वो बैकग्राउंड स्कोर का एक्चुअली काम होता है कि अगर आपको इमोशनल फील करना है तो वो आपको सबकॉन्शियसली गाइड करता है उस तरफ ले जाने, एनहेंस करता है उस इमोशन। एवरीथिंग इज अ डायरेक्टर्स कॉल, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। No, Ramu used to be scared, you know, Ram Gopal Varma. He says music used to be very scary. ऐसा है कि बैकग्राउंड स्कोर अब डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म, स्टोरी टू स्टोरी, बट यू नो मतलब मेरे लिए बैकग्राउंड स्कोर वो है जो सुनाई ना दे। Yeah, it has to be felt. Yeah, it has to be felt. Yeah. So, I think there is an excessive use of background score. Yeah. But people are very insecure. People feel that the audience doesn't get it. And honestly, yeah. I've Science. Been in theaters sometimes and watching films that are very disturbing. And people start laughing. And you realize that it's because it's silent. They don't know what to think. Yeah. The audience starts laughing because they don't realize that this is not funny. You know, so you have to, it's a two-edged sword. You know, you have to balance it. Yes. Are you involved in writing? No. I'm not. What? A film, Gold.
Thank you for not asking about Pakistan and education.